नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीत की तैयारी में। दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी में जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया है अब की बार, क्योंकि इंडियन नेवी ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाल चुकी है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरा जा सकता है और कैसे आप उसे सबमिट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल जीत की तैयारी पर नए हो तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में दबाइए बेल आइकन। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी नई गवर्नमेंट जॉब आएगी उसका आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो आज की जो ये रिक्रूटमेंट है, भर्ती है, ये है इंडियन नेवी द्वारा, और जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपके सामने खोल देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंडियन नेवी द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसे भर कौन कौन सकता है। तो यहाँ पे लिख रखा है एलिजिबल कौन रहेगा, क्वालिफाइड इंडियन सिटीज़न, मतलब पूरे भारत के जितने भी लोग हैं वो इसे भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड रहेगा या ऑफलाइन मोड रहेगा। ये ऑफलाइन मोड मतलब आपका इसमें एप्लीकेशन फिल करी जाएगी, ये बात भी आगे बता देता हूँ। अब आगे बात करते हैं कि आपकी इसमें क्या क्या रैंक मिलेगी आपको और कितनी टोटल आपकी इसमें वैकेंसी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एक एक चीज़ मेंशन है कि जो MTS की है वो 2 रहेंगी, ड्रेसर की MTS, धोबी की रहेंगी वो 12, मालिक की 8, ऐसे करके सारी चीज़ें दे रखी हैं। जो टोटल वैकेंसी आती है आपके यहाँ पे 53 आती हैं दोस्तों। ठीक है, पर हमको 53 से कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ अपनी जॉब करनी है। हमारे लिए तो बस एक ही वैकेंसी है, हमें तो बस एक ही क्लियर करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रखा है अगर आपको एंट्री फॉर क्वालिफिकेशन फॉर ड्रेसर हु इज़ 12th विद 3 ईयर एक्सपीरियंस विद ऑफ ड्रेसिंग वुड बी लेवल 3 इन पे ऑफ मैट्रिक्स पर। अगर आप ड्रेसर के लिए हैं तो आपको यहाँ पे क्लास 12th पास होनी चाहिए और साथ में आपके 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो ड्रेसर के लिए आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। आगे मैं जो इसमें बात करता हूँ, ये तो फिज़िकल मेजरमेंट एब्रिशन आ जाते हैं इसके लिए। अब एज लिमिट बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एज लिमिट जो मिनिमम मांग रखी है इन लोगों ने वो 18 साल मांग रखी है और मैक्सिमम है वो 25 साल। ठीक है, 18 से 25 आप इसे भर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए, तो ड्रेसर की हमने बात कर चुकी है। बाकियों की बात करता हूँ तो मैट्रिक पास होने चाहिए आप, ठीक है, प्रोफिशिएंसी रेलिवेंट ट्रेड, ठीक है, और उस ट्रेड में आपको आनी भी चाहिए, मतलब वो ट्रेन, सीधी सी बात है ये। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। रिलैक्सेशन जो नहीं मिलते हैं, SC ST को यहाँ पे 5 साल का मिला हुआ है, OBC को यहाँ पे 3 साल मिला हुआ है, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो अपने जर्नल में आते हैं उनको 10, अपने OBC में आते हैं उन्हें 13, और अपने जो SC ST में आते हैं उन्हें 15, ये सारा दे रहा है। एक्स मेट्रिवेशन स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए भी है यहाँ पे, तो ये जिसकी भी चीज़ है वो आप एक बार रीड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे मैं इसमें बात करता हूँ कि आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कि सिलेक्शन आपका होगा जब आपका उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आएगी आपकी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, रीजनिंग भी आएगी जिसमें, फिर आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ वाला, फिर आएगा आपकी इंग्लिश आएगी और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर मतलब GK, ये सब जितने भी होंगे आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, आगे जो मैं इसमें बात करता हूँ वो है आपकी कि आप इसको भेजेंगे कहाँ, आपको इसका एड कार्ड, इसके बारे में चीज़ें पता कैसे चलती रहेगी कि आपके डेट, आपका रिटर्न टेस्ट कब होगा, कब आपकी भर्ती होगी। तो ये देखिए www.indiannavy.nic, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस पे जाके चेक करना होगा कि कब इसकी मतलब आपका टेस्ट होगा, कब इसकी आपकी भर्ती, सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आप इसके फॉर्म को क्या पता था, ऑफलाइन जो आपका रहेगा इसका मोड रहेगा फॉर्म भरने का। तो एक एक चीज़ बताऊँ कैसे आप इसको फॉर्म भरेंगे। देखिए सबसे पहले आपको सबसे ऊपर जो हुआ एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, जैसे आप ड्रेसर के लिए कर रहे हैं, माली के लिए कर रहे हैं, जो भी लिखना है वहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है अपना नाम, ठीक है, ब्लॉक राइटर से मतलब बड़े अक्षरों में लिखना है, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, फादर्स नेम, यहाँ पे आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, कलर्ड फोटो होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब आपका साइन कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस लिख देना आपको, ठीक है, यहाँ पर आपका पिन कोड और यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर। आगे इसमें बात करते हैं कि आपका एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस, देखो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस आखिर होता क्या है, ये वो एड्रेस होता है जहाँ पे आप रहते हो, अभी फ़िलहाल आप रहते हो, जहाँ पे जो आपकी इंडियन नेवी है अगर आपको बुलाएगी तो कहाँ पे आप को कॉन्टैक्ट कर सकती है। ठीक है, मान लो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो है मेरा विलेज का, ठीक है, पर मैं रहता हूँ किसी शहर में,
जो मेरा डाक आएगा वो मेरे शहर में आना चाहिए ताकि मैं उसके बारे में पता कर सकूँ। तो वो होता है वो करस्पोंडर एरर। तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपकी स्टेट लिख देना है कि आप कौन सी स्टेट के हो, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिख देना है, और अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वो आपको ईमेल आईडी भी भर देनी है दोस्तों, ठीक है। अब ये दे बता देना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हो, जनरल में आते हो, एसटी में आते हो या ओबीसी में, जिसमें भी आते हो आप टिक कर देना। ये जो फॉर्म है 7th नंबर वाला, ये है सिर्फ फिजिकली हैंडीकेप्ड लोगों के लिए। अगर आप है तो आप इसे भर देना, नहीं तो आप इसे छोड़ देना। नेशनलिटी जो हमारी है वो इंडियन है, तो यहाँ पे इंडियन कर देना। और मतलब मेरिट स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा है, डिवोर्स है, सेपरेटेड है, जो भी आप हो वो आप भर देना यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं रिलीजन में, 10वें नंबर पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जो भी है आप यहाँ पे लिख देना। अब आते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए क्वालिफिकेशन आप 10वीं 12वीं जो भी है यहाँ पे आपको वो लिखना है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, मतलब आपने कहाँ से करी, आपने CBSE बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, जहाँ से भी की है वो। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी साल में आप पास आउट हुए थे। टोटल मार्क्स, मान लो जैसे 500 में से आपके 300 मार्क्स आए हैं, तो 300 लिख के, ठीक है, ओब्लिक में 500 कर देना, ठीक है। ऐसे ही आप किसके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कितनी परसेंटेज आई है वो, और डिवीज़न और क्लास आपका कौन सा आया, ठीक है। एक्सपीरियंस हो तो वो भी लिख देना, जिनके पास है वो लिख देना। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आपके शरीर पर कोई तिल है, कोई कट है, कोई निशान है जिससे आपकी पहचान हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आपका लेफ्ट हैंड का उसका थंब इम्प्रेशन लगाना है, मतलब अंगूठा लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं, डेट जिस दिन आप भेज रहे हैं, इनक्लोज़र मतलब जो जो आप सर्टिफिकेट इस डॉक्यूमेंट के साथ आप भेजेंगे, जो ये डॉक्यूमेंट अभी बताया मैंने फॉर्म, इसके साथ आप क्या क्या सर्टिफिकेट भेजेंगे वो एक एक करके आप यहाँ पे लिख देना। आगे जो इसमें बात आती है वो आती है OBC या SC वाले के लिए, जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होती है या आपको जिनकी होगी OBC SC ST वालों की, उनके पास पहले से ही होगी तो ये भरने की जरूरत रहेगी नहीं, ठीक है। बाकी सारे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे उनके पास भी अपनी सर्टिफिकेट होंगी, ये उनके लिए है। नॉर्मल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये नहीं है, आपको सिर्फ ये ही फॉर्म भरना है। और जब मैं बात कर रहा था कि आपको क्या क्या वो यहाँ पे, तो हाँ ये रहा, तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रखा है 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ फॉर एडमिट कार्ड एंड एग्जिट कार्ड सेल्फ अटेस्टेड ऑन रिवर्स साइड फुल नेम रिटर्न, ठीक है। मतलब आपको एक तो फोटो हो जाएगी जो आपकी फॉर्म पे चिपकेगी, और उसके अलावा 2 फोटो आपको और भेजनी है, जो आपका एनवलप होगा, लिफाफा होगा उसमें, और उसके पीछे फ़ोटो के पीछे आप अपना नाम भी ज़रूर लिख देना दोस्तों, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन टेस्ट, मतलब आपकी 10वीं की जो भी आप सर्टिफिकेट भेजोगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपको, मतलब सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप साइन कर दो सेल्फ अटेस्टेड लिख के, ठीक है। अब आगे है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, मतलब मान लो कोई ने मेरे से पूछा भी था ये पिछली वीडियो में कि अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ की क्या, मतलब आपको क्वालिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट चाहिए, तो अगर आपके पास 10th पास भी है तो भी आप इसे दे सकते हैं, वही आपकी बर्थ सर्टिफिकेट मानी जाएगी दोस्तों, ठीक है। SC ST वालों के लिए अपनी जो उनकी होती है मतलब सर्टिफिकेट होती है वो भेजे, एक्स सर्विसमैन वालों के NOC, तो बस यही है दोस्तों, अपनी भेज देना। और अगर कुछ भी डाउट हो तो मैं तो हूँ ही, कमेंट में लिख देना, आपको बता दूंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ इस जो मैं बताने भूल गया, कब तक चलेगा ये, आपका चलेगा 21 तारीख तक, मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ है ये 25 अगस्त से, 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और ये 21 सितंबर तक आपका ये चलेगा। आप इस फॉर्म को भरें, 21 सितंबर तक आप इसे पोस्ट कर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल।